हर घर 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 जल नल के तहत, ये देखिए कितनी भयानक टंकियां बन रही हैं। हम ऊपर से आपको चढ़ के दिखाते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ये तैयार किया गया है ऊपर जाने के लिए, और ये नेट लगा दी गई है चारों तरफ से। करीब 10 मिनट में ऊपर हम पहुंच जाएंगे। वो खड़ी हमारी साइकिल, ये इनके कर्मचारी आ रहे हैं मोबाइल देखते हुए। अभी नेट के अंदर मैं हूँ इसलिए कोई मेरे को देख नहीं पाया है, नहीं तो यहाँ ऊपर चढ़ना सख्त मना है। लेकिन मैं सिर्फ चढ़ के ये देखना चाहता हूँ टंकी बनाने वाले काम किस तरह करते हैं। बस हम पहुंच ही गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं काफ़ी सिक्योरिटी से काम हो रहा भाई, नेट लगा के। लेकिन सीढ़ियों में चढ़ते समय साइड में पकड़ सकें वो हत्था नहीं है। ओह माय गॉड, फाइनली हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। काफ़ी मजबूती से काम हो रहा भाई। ये है अपना ग्राउंड उचेरा स्टेडियम, और ये देखिए ये लकड़ी का है, देख लीजिए ये केवल फ्रेम है ना, अभी फ्रेम तैयार किया जा रहा है। ये पूरा हम ऊपर हैं अभी, करीब 200 मीटर, 100 मीटर आई थिंक, उससे भी कम होगा, 800, 850 मीटर। काफ़ी रिस्की है भाई। ये रस्सी देख रहे हैं ना आप, ये पुल्ली यहाँ से मसाला भोंकने के लिए। ये ऊपर ना इस तरह हाथ से पकड़ने के लिए बना है। ये देखो टंकी का पिलर जो है, ये अर्थिंग है। क्या है? अर्थिंग, अर्थिंग समझते हो आप? बिजली बिजली गिरे ना तो उस अर्थिंग के थ्रू पूरा नीचे चला जाए करंट, इसलिए अर्थिंग होता है। अब इस पुल्ली का प्रयोग करके नीचे तो जा सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल होगा। चलो भाई नीचे चलते हैं अब, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं यहाँ से व्यू दिखा सकता हूँ आपको ग्राउंड का, जो कि ये हमारा छत्रसाल सिंह स्टेडियम उचेहरा नगर पालिका द्वारा संचालित होता है, और यहाँ भी फ़िलहाल वॉलीबॉल मैच चल रहा है। ये नीचे से गाड़ियाँ जाती हुई, और ये हमारा पर्वत सिद्ध बाबा की चोटी यहाँ ऊंचाई पे है। और आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है और यहाँ से हम उतरेंगे अब नीचे।